Hello India, this is Naitik. Hey guys, this is Jess from Simon Jess Hair and Makeup Academy, Mumbai. Salam, Namaste, Sat Sri Akal, Adab. दोस्तों आज फिर दोनों भाई आए हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी हमारी जो हेयर ऑनलाइन क्लास है, आई थिंक सो आप लोग सबको बहुत बेनिफिट्स हो रहे होंगे उससे और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है. तो क्या बोलते हैं नैतिक सर? आई एम श्योर कि यू नो डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं विद हमारी सैमेंजेस की फैमिली से, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है. तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि यू नो हमारी अभी ऐसे लग रहा है कि मतलब एक्चुअली में क्लास में बैठ के बात होती है सब बच्चों से और सबके नाम पढ़े जा रहे हैं. एक्चुअली पहले हम लोग इतने कमेंट्स भी नहीं पढ़ते थे, अभी कमेंट्स पढ़ने में भी मज़ा आता है क्योंकि आप लोगों के भी बड़े एजुकेशनल जो आप लोगों की क्यूरियोसिटीज़ होती हैं वो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है. तो इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहे. मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ आप लोगों को, जिस तरीके से वीडियोज़ आप लोग भेज रहे हैं ना, जो क्वेश्चन के वीडियोज़ हैं, इवन वी आर ऑल लाइकिंग इट, उससे क्या क्लैरिटी आ रही है. तो आप लोग वीडियो ज़रूर भेजें और उसमें अगर आपको सैमन जस के चैनल से आपको कोई भी बेनिफिट्स हो रहे हों तो ज़रूर आप उसमें बोलिएगा, अच्छा लगेगा और लोगों को भी बेनिफिट्स होगा. तो वी विल वेट फॉर योर वीडियोस. ओके, तो नैतिक सर आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर टुडे? सर जो आज का क्वेश्चन है वो हमारे सैमन जस के स्टूडेंट का है. ओके, ये हमेशा जो स्टूडेंट है ये हमेशा एक स्माइलिंग फेस से ही काम करते हैं, जब भी इनसे मिलो ये हमेशा खुश रहेंगे. मतलब ये हमारी अकेडमी के स्टूडेंट है? अरे वाह, क्या बात है. तो हमारे मुंबई अकेडमी के स्टूडेंट है? अकेडमी के स्टूडेंट है. ओके, और इनका नाम है विवेक, आगरा से है. अच्छा, यूपी से, मतलब आगरा से, क्या बात है, आगरा से है. ओके, और इनका क्वेश्चन है जी वो ये है, जो कंज्यूमर जो कलर्स हैं, जो हेयर कलर्स हैं, जो बॉक्स वाले कलर्स हैं, मेटेलिक डाइज हैं, जो हम लोग को कंज्यूमर शॉप्स में मिलते हैं, और जो प्रोफेशनल कलर्स हैं, इनमें एक्चुअली फर्क क्या है? ओके, तो एक्चुअली इनका क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन उन्होंने किया है और ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सारे स्टाइलिस्ट के माइंड में भी होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके भी दिमाग में होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट हमेशा वो इस बात को बोलते हैं कि भाई आप सैलून में आते हो तो आप प्रोफेशनल कलर्स को यूज़ करो, आप डाई कलर्स मत यूज़ करो. तो कहीं ना कहीं जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी ये अच्छा एक आंसर मिलेगा कि उनको डाई कलर्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए. एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हम लोग को बहुत दिक्कत आती है जब हम लोग डाई कलर्स के ऊपर काम करते हैं क्योंकि ना तो उसके ऊपर कोई और कोई केमिकल हो पाता है. अगर आपको हाईलाइटिंग चाहिए, अगर किसी क्लाइंट ने ऑलरेडी डाई कलर उनके बालों पर किया हुआ है तो ना तो उनके ऊपर हाइलाइटिंग हो सकती है, ना स्ट्रेटनिंग हो सकती है, ना कोई और. अगर आप ट्रीटमेंट करते हो स्पा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. केराटिन और बोटॉक्स जो भी आजकल नए प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कोई बेनिफिट्स नहीं है. तो ऐसा क्यों है कि ये जितने भी डाई कलर्स हैं हम लोग सब मना करते हैं भैया मत यूज़ करो, तो उसके पीछे का उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. जो कलर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत हार्मफुल हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है रिसोर्सिनॉल, मोनोएथिलामाइन, अमोनिया, पर सल्फेट, पैराबीन्स, पीपीडी, प्रोफिलीन ग्लाइकॉल, मेटल लाइक निकल, लेड कोबाल्ट. तो ये जो है ये बहुत ही हार्मफुल है आपके बालों के लिए. इसमें और थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी हम लोगों ने नाम लिए हैं उनको कुछ थोड़ा आइडिया होगा. थोड़ा सा इनको और बताओ आपके इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे रिसोर्सिनॉल से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो भी मैंने आपको बताया उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा और इसमें आप. सर बेसिकली अगर मैं रिसोर्सिनॉल की बात करूँ तो रिसोर्सिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपको स्कैल्प पे थोड़ी सी इचिंग होती है. राइट, अगर थोड़ी सी इचिंग हुई या जो आपके हार्मोन्स रहते हैं, जब अभी आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, right. तो ये रिसोर्सिनॉल और पैराबीन से जो आपका हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है उसमें भी एक डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उससे डिक्रीज right. होने शुरू हो जाता है. राइट, सेम थिंग इज जब MEA की बात करूँ, जो मोनोएथिलामाइन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MEA भी बोलते हैं. राइट, तो MEA जो है ये MEA जो आपके हेयर के क्यूटिकल्स हैं इसको डैमेज करता है. राइट, एट द सेम टाइम आपके हेयर शाफ्ट को भी ये थोड़ा सा डैमेज करता है, थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाता है. राइट, बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल्स. बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल्स. राइट, ये क्यूटिकल्स को, क्यूटिकल्स बेसिकली हमारी जो अपर लेयर है हमारे बालों की, लेयर का नाम क्यूटिकल है. तो हमारे ऊपर की लेयर ही खराब कर रहा है तो डेफिनेटली आपके बाल, हाँ, आपको दिखने में ही खराब हो रहा है. बिल्कुल सही बात है. और सर इसमें और एक चीज है सर, प्रोफिलीन ग्लाइकॉल. इसको प्रोफिलीन ग्लाइकॉल से हमें, सर इसमें डर्मेटाइटिस एक ऐसी एक डिसऑर्डर है जिसमें आपका रेडनेस शुरू हो जाता है, सोर हो जाता है आपका जो स्कैल्प है, थोड़ा सा स्वोलन भी हो जाएगा और इन सम केसेस एलर्जीज भी शुरू हो जाता है. राइट, ये उनके लिए बेसिकली जिनका बहुत ही सेंसिटिव स्कैल्प है या स्किन जिनकी बहुत सेंसिटिव है उनके साथ में ये प्रॉब्लम मैंने जनरली देखी है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है और उनके लिए तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. तो उनके लिए अगर कोई कलर अगर
करना हो तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। बहरहाल आई होप आपको ये इंग्रेडिएंट्स समझ में आए होंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपके बालों के ऊपर, आपके स्कैल्प के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो बॉक्स कलर्स यूज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आपके बाल नेचुरली लाइट है तो वो आप डार्क कर देते हो उनको। बेसिकली जब हम लोग कलर्स करते हैं तो हम लोग करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे, वेन एवर यू आर डूइंग अ कलर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप कि अगर आपको सपोज आपका 5 नंबर का बाल है, लाइट कलर का बाल है या लाइट ब्राउन कलर का बाल है, या कुछ लोगों के मैंने देखा है ब्लॉन्ड कलर के भी हेयर रहते हैं, तो डार्क ब्राउन्स भी रहते हैं उन लोग के, अगर आप डाई कलर्स यूज़ करते हो, बॉक्स वाले जितने भी कलर्स यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से बहुत डार्क हो जाते हैं वो, तो विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो अगर आप जैसे सैलून में जाते हो तो सैलून में जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो एक्चुअली पहले आपके बालों को एनालाइज करते हैं कि आपके बालों का कलर क्या है, आपका 4 नंबर का बाल है, 5 नंबर का बाल है, 6 नंबर का बाल है, मतलब लाइट बाल हैं कि डार्क बाल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करते हैं और वो कलर्स आपके ऊपर लगाए जाते हैं। सो जो प्रोफेशनल कलर्स हैं वो इतने हार्मफुल नहीं हैं जितना कि आपके बॉक्स कलर्स रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भले आपके जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं अगर वो भी देखते हैं जो सैलून्स में जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाकर के कलर्स जितने भी कराओ आप लोग हमेशा सैलून में कलर कराओ, या जो सैलून में प्रोफेशनल कलर्स को यूज़ कर रहे हैं जैसे लॉरियल हो गया, वेला हो गया, स्ट्रीक्स हो गए, या शॉर्ट्सकॉफ कंपनी का हो गया, अभी और बहुत सारी कंपनीज आ रही है, मोहेयर का, ही इज़ वेरी बिग फैन ऑफ मोहेयर, तो अभी मोहेयर का हो गया, तो आप लोग ये प्रोफेशनल कलर्स को यूज़ करो जिससे कि आपके बाल डैमेज ना हो और साथ के साथ आपके बालों में कलर भी अच्छा है। और कोशिश करो अगर आपको कलर करना ही है, या तो आप कलर, इट इज़ जस्ट माई एडवाइस टू यू ऑल कि अगर आपको कलर करना ही है तो आप 6 नंबर का कलर करो, इफ़ यू आर फेयर तो गो विद 6 नंबर, अगर आपको करना है आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स में नहीं जाना चाहते तो 5 नंबर का करो, विच लुक्स वेरी नेचुरल, कलर का कलर हो गया, नेचुरल का नेचुरल हो गया, और आई थिंक सो इट लुक्स अमेजिंग ऑन योर फेस, ऑन योर पर्सनैलिटी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी लोग हैं, अगर आपको कलर करना है 5 नंबर करो, 6 नंबर करो, और प्रोफेशनल कलर्स करो, जो मैंने कंपनीज के नाम बोले हैं आपको, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं इसके ऊपर कि आपको कलर कैसे मिक्स करना है, कैसे लगाना है, आप देखिए रूट टचअप को कैसे करना है, अगर आप घर पे भी हो तब भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सैलून में ही जाना है। एक प्रॉब्लम और भी है कि जब आप सैलून में जाते हो तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है आप सैलून में खाली, क्योंकि एवरी मंथ यू हैव टू डू इट, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि बार बार सैलून में जाओ कलर करो। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि रूट टचअप के ऊपर है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि कैसे रूट टचअप करते हैं, मिक्सिंग कैसे करते हैं, कौन सा वॉल्यूम यूज़ करते हैं, तो आप उसको देखें। बहरहाल यूज़ ओनली प्रोफेशनल कलर्स और आपके बालों को अच्छा करें। आई होप इनको इनका आंसर मिल गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो भैया इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, और अगर आप लोगों को मुंबई में आना है तो आप हमारे अंधेरी एकेडमी डोंबिवली या खारघर, और अगर मुंबई से बाहर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पटना, चेन्नई, पुणे, और अभी हम लोग लखनऊ में भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप लोग लखनऊ भी आ सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। और जब आप व्हाट्सअप करते हो, अगर आपको कोई हेयर कोर्स करना है तो आप हेयर कोर्स का लिख सकते हो, मेकअप कोर्स करना है तो मेकअप के कोर्स का ऐसे लिखो आप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाली हेलो भेज देते हैं, हेलो सर, तो अभी जो हमारी, क्योंकि ये फ़ोन जो है वो मेरे पास नहीं रहता, ये फ़ोन जो रहता है वो टीम के पास ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो टीम बोलती है कि हेलो सर के एक दिन में 2 से 2500 के मैसेज आ जाते हैं, तो आप लोग लिखो कि उसमें आपको क्या काम है, आपको ज़रूर रिवर्ट बैक मिलेगा, क्योंकि 2500-3000 मैसेज पर डे आ रहे हैं, तो ये बच्चे अभी लगे हुए हैं सबको आंसर देने के लिए, तो आप करें मैसेज। और मिलते हैं हमारी अकेडमीज़ के अंदर, अगर आप लोगों को एक अच्छा प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, अगर आपको हेयर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए हमारी अकेडमी में, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सबको, आपके क्लाइंट्स को भी कीजिएगा, उनके भी काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।